रहमान रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गो, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। क्या औरतों को भी एहतलाम होता है? औरतों के एहतलाम की निशानी क्या है? और क्या एहतलाम की वजह से औरतों को भी गुस्ल करना फर्ज है? जवाब ये है कि मर्दों की तरह औरतों को भी एहतलाम होता है। मुस्लिम में एक हदीस मुबारक है, हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उम्म सलीम रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर औरत ख्वाब में वो देखे जो मर्द देखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत ऐसा देखे तो गुस्ल करे। उम्म सलीम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मुझे शर्म आई। मैंने कहा, क्या ऐसा भी होता है यानी औरत को भी एहतलाम होता है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक होता है, वरना बच्चा औरत के मुशाबे क्यों कर होता है? मर्द का नुतफा गाढ़ा सफेद होता है और औरत का पतला जर्द भी जो ऊपर जाता है या बढ़ जाता है, बच्चा उसी के मुशाबे हो जाता है। इस हदीस मुबारक से तीनों सवालों का जवाब मिल रहा है। एक ये कि औरतों को भी एहतलाम होता है। दूसरा जवाब ये है कि औरत के एहतलाम की निशानी है कि औरत की मनी यानी जब उससे शहवत के साथ पतला और जर्द रंग का पानी खारिज हो तो ये औरत का एहतलाम होता है। और तीसरा जवाब ये कि एहतलाम की सूरत में मर्दों की तरह औरत पर भी गुस्ल करना जरूरी है।